नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्किटेक्निकल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइसिस, बी गैसों की अभिक्रिया, सी गैसों का दाब, डी तापमान एवं दाब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का नियम इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, सी लेंज के नियम के सिद्धांत पर, डी इनमें से कोई नहीं, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वह होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी चिन्हों की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीले रंग की। चेतावनी चिन्हों की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है? पीले रंग की। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च पारेषण वोल्टेज का लाभ होता है? ऑप्शन ए पारेषण लाइन की पावर हस्तांतरण करने की क्षमता बढ़ती है, बी पारेषण लाइन लॉस होती है, सी क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल और कंडक्टर का आयतन कम होता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें ये बी व सी तीनों ही राइट होंगे, अर्थात इसके तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं स्टार्टर किस प्रकार की मोटर को चालू करने के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए शंट मोटर, बी कंपाउंड मोटर, सी केवल सरणी मोटर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल सरणी मोटर। केवल सरणी मोटर दो बिंदु स्टार्टर द्वारा चलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बनने से बढ़ता है या घटता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन ऑप्शन के आधार पर चुनना है। ऑप्शन ये है घूर्णन गति बढ़ती है, बी है घूर्णन गति घटती है, सी है टॉर्क घटता है, डी घूर्णन गति व टॉर्क दोनों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति घटती है। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ने से उसकी घूर्णन गति घट जाती है, अर्थात कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर की गति आरपीएम में किस यंत्र द्वारा मापते हैं? ऑप्शन ए सीआरओ द्वारा, बी टैकोमीटर द्वारा, सी हॉट वायर यंत्र द्वारा, डी क्लैंप मीटर द्वारा। तो मोटर की गति आरपीएम में टैकोमीटर द्वारा मापी जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टैकोमीटर। अगला क्वेश्चन है, एकल चरण ट्रांसफार्मर के इनपुट पक्ष को कहा जाता है? ऑप्शन ए माध्यमिक पक्ष, बी मुख्य रूप पक्ष, सी उच्च वोल्टेज पक्ष, डी कम वोल्टेज पक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य रूप पक्ष। अगला क्वेश्चन है, हवा से नमी को अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए नीला, बी भूरा, सी ऑयलेट, डी गुलाबी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला। अगला क्वेश्चन, कुंडलन में किसको टेस्ट करने के लिए सर्च कोयल विधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए कुंडलन ध्रुवता, बी वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध, सी वाइंडिंग में कोयल में लघुपतन, डी कुंडली में कंटिन्यूटी टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलन ध्रुवता। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, कम्यूटेटर सेगमेंट पर एक कवाइल के दोनों सिरों को जोड़ने के बीच की दूरी को कहते हैं? ऑप्शन ए कम्यूटेटर पिच, बी बैक पिच, सी फ्रंट पिच,
डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्यूटेटर पिच, कम्यूटेटर पिच। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, खुली कॉइल वाइंडिंग उपयोग में ली जाती है। ऑप्शन ए डीसी मशीन में, बी एसी मशीनों में, सी ट्रांसफार्मर में, डी ये वह भी दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एसी मशीनों में। किस मशीनों में? अल्टरनेटिंग करंट की मशीनों में, अर्थात एसी मशीनों में। अगला क्वेश्चन, तीन फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ऑप्शन ए फुल लोड टॉर्क के बराबर, बी फुल लोड करंट के 2 गुना बराबर, सी फुल लोड करंट के 5 से 7 गुना बराबर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल लोड करंट के 5 से 7 गुना बराबर। तीन फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है फुल लोड करंट के 5 से 7 गुना बराबर। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा के सूचनात्मक चिन्ह निम्न में से किस आकार में बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए त्रिभुजाकार, बी गोलाकार, सी वर्गाकार, डी आयताकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गाकार। सुरक्षा के सूचनात्मक चिन्ह किस आकार में बनाए जाते हैं? तो वे बनाए जाते हैं वर्गाकार आकार में। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज एडुकेशन मोटर के सप्लाई टर्मिनल परस्पर बदलने से इसमें घूमने की दिशा होती है। ऑप्शन ए बदल जाती है, बी नहीं बदलती है, सी मोटर नहीं चलेगी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। अगला क्वेश्चन, समान हॉर्स पावर वाली मोटरों की दिशा में सिंगल फेज मोटर का लोड टॉर्क स्लिप तीन फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा होता है। ऑप्शन ए समान होगा, बी कम होगा, सी अधिक होगा, या डी निश्चित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का मान व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए वोल्टता में, बी धारा में, सी केवीए में, डी वीए में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा धारा में। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धारा। अगला क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग का आवर्तकाल कितने सेकंड होगा? तो इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है आवर्ती आवर्तकाल के विलोमानुपाती होती है। क्या होती है? विलोमानुपाती। तो इसको ज्ञात करने के लिए 1/50 को ज्ञात करने पर हमें आंसर आएगा सी 0.02 सेकेंड। राइट आंसर क्या होगा? 0.02 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, ज्यावक्रीय तरंग के आकृति गुणांक का मान होता है। ऑप्शन ए 1.0, बी 1.11, सी 1.732, डी 1.91। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.11। आकृति गुणांक का मान कितना होता है? 1.11। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श अल्टरनेटर में होता है। ऑप्शन ए घूमने वाला फील्ड होता है, बी घूमने वाला आर्मेचर होता है, सी घूमने वाला फील्ड अथवा घूमने वाला आर्मेचर होता है, डी उपरोक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये घूमने वाला फील्ड होता है। एक आदर्श अल्टरनेटर में क्या होता है? घूमने वाला फील्ड। अगले क्वेश्चन, बड़े आकार के अल्टरनेटरों में घूमने वाला भाग होता है। तो बड़े आकार के अल्टरनेटरों में घूमने वाला भाग होता है पोल। क्या होता है? पोल। अगला क्वेश्चन, यदि अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की इनपुट स्थिर रखी जाए किंतु एक्साइटेशन बढ़ा दिया जाए तो तब क्या होगा? ऑप्शन ए केवीए लीडिंग हो जाएगा, बी केवीए लैगिंग हो जाएगा, सी केवीए परिवर्तित हो जाएगा, डी लोड का पावर फैक्टर स्थिर रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा केवीए लैगिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न जनरेटिंग स्टेशन निम्न प्राइम मूवर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है
स्टीम टरबाइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन, सी गैस टरबाइन, डी डीजल इंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीजल इंजन। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्टरनेटर पर लोड का पावर फैक्टर अधिक लीडिंग हो जाए तब रेटेड टर्मिनल प्राप्त करने के लिए जनरेटिंग वोल्टेज का मान होगा। ऑप्शन ए बढ़ेगा, बी अपरिवर्तित रहेगा, सी घटेगा, डी रोटरी स्पीड के साथ परिवर्तित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन, दो अल्टरनेटर पैरेलल में चल रहे हैं अर्थात समांतर में चल रहे हैं। यदि हमें एक का लोड शेयरिंग बढ़ाना है तब इसके फील्ड एक्साइटेशन को करना होगा। ऑप्शन ए इनपुट टॉर्क स्थिर रखकर बढ़ाना होगा, बी स्थिर रखकर इनपुट टॉर्क बढ़ाना चाहिए, सी इनपुट टॉर्क स्थिर रखकर कमजोर करना चाहिए, डी स्थिर रखकर इनपुट टॉर्क घटाना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर रखकर इनपुट टॉर्क बढ़ाना चाहिए। एक्साइटेशन को स्थिर रखकर इनपुट टॉर्क को बढ़ाना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक थ्री फेज अल्टरनेटर जिन्हें सेंट्रल पावर स्टेशन में प्रयोग किया जाता है कौन सा है? ऑप्शन ए 230 वोल्टेज, बी 400 वोल्टेज, सी 11 केवी, डी 132 केवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 केवी। कौन सा होगा? 11 केवी। अगला क्वेश्चन, जब एक थ्री फेज अल्टरनेटर रिएक्टिव लोड को सप्लाई देता है तब इसका आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स होगा। ऑप्शन ए फील्ड के एक्स के समांतर रहता है, बी फील्ड एक्स के 90 डिग्री पर रहता है, सी फील्ड एक्स के 45 डिग्री पर रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड के एक्स के समांतर रहता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक थ्री फेज अल्टरनेटर इंडक्टिव लोड को सप्लाई देता है तब इसका आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स होगा। ऑप्शन ए मुख्य मैग्नेटिक फील्ड की मदद करता है, बी मुख्य मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करता है, सी मैग्नेटिक की न मदद करता है और ना ही विरोध करता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करता है। क्या होगा? मुख्य मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर में आर्मेचर कंडक्टरों में पैदा हुई वोल्टेज होगी। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा, बी दिष्ट धारा, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी। कौन सी उत्पन्न होगी? एसी वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, एक चार पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस मशीन की स्पीड आरपीएम में होगी। ऑप्शन ए 750, 1500, 2500 या 3000। तो गति ज्ञात करने का सूत्र होता है एन इक्वल टू एफ इंटू 120 डिवाइडेड बाई पोलों की संख्या। तो इसको ज्ञात करने पर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50 हर्ज इंटू 120 डिवाइडेड बाई पोलों की संख्या 4, 4 3 12 अर्थात 30, 5 3 15, 1500 राइट आंसर। क्या होगा? 1500 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भूचालक के लिए भू संपर्क के पथ का प्रबंधन करता है। ऑप्शन ए अधिक धारा, बी सरण धारा, सी उच्च वोल्टता, डी परिपथ धारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक सॉरी सरण धारा। क्या होगा? सरण धारा। अगला क्वेश्चन, अर्थिंग का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए पृथ्वी से संभावित निम्न प्रतिरोध उपलब्ध कराना, बी पृथ्वी से संभावित उच्च प्रतिरोध उपलब्ध कराना, सी धनात्मक ऋणात्मक एवं जीरो श्रेणीकरण प्रभाव को उपलब्ध कराना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनात्मक ऋणात्मक एवं जीरो श्रेणी करंट प्रवाह को उपलब्ध कराना। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? धनात्मक ऋणात्मक एवं जीरो श्रेणी करंट प्रवाह को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन,
अंतरराष्ट्रीय मानक आईईसी 60,364 में दो अक्षरों वाले कोड का प्रयोग करते हुए अर्थिंग व्यवस्था को कितने अवयवों में बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कितने अवयवों में बनाया गया है? 3 में। अगला क्वेश्चन, अर्थ लीड का कटाक्ष क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 वर्ग mm से, 13 वर्ग मिलीमीटर से 60 वर्ग मिलीमीटर। राइट आंसर क्या होगा? 13 वर्ग मिलीमीटर से 60 वर्ग मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन, भूसंपर्क के लिए उपयुक्त हुए तांबे के लिए न्यूनतम व्यास 12.5 mm होना चाहिए तथा लोहे की इलेक्ट्रोड का व्यास का कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 18 mm, बी 12.5 mm, सी 16 mm, डी 8 mm। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 mm। कितना होगा? 16 mm। अगला क्वेश्चन, भू प्रतिरोध टेस्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए लेंज का नियम, बी फेराडे का नियम, सी प्रतिरोधकता का नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता का नियम। अगला क्वेश्चन, मुख्य स्टेशन के अर्थ इलेक्ट्रोड का मान होता है? ऑप्शन ए 8, 4, 2 या फिर 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, अर्थ इलेक्ट्रोड का मान कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन, पाइप अर्थिंग में दो अर्थ इलेक्ट्रोड की दूरी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 4 मीटर, बी 2 मीटर, सी 6 मीटर, डी 8 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 मीटर। पाइप अर्थिंग में दो अर्थ इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर। अगला क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में कितने SWG अर्थात स्टैंडर्ड वायर गेज की कॉपर अर्थ लगाई जाती है? ऑप्शन ए 18 SWG, बी 16 SWG, सी 15 SWG, डी 10 SWG। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 SWG, 18 SWG। अगला क्वेश्चन, पाइप अर्थिंग में पाइप इलेक्ट्रोड का आंतरिक व्यास होना चाहिए? ऑप्शन ए 12.5 mm, बी 16 mm, सी 38 mm, डी 2 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 mm। पाइप अर्थिंग में पाइप इलेक्ट्रोड का आंतरिक व्यास 38 mm होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्युत झटके से सुरक्षा हेतु तार को सदैव स्विच द्वारा नियंत्रित करना चाहिए? ऑप्शन ए न्यूट्रल द्वारा, बी अर्थ, सी फेज, डी फ्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेज। विद्युत झटके से सुरक्षा हेतु फेज तार को सदैव स्विच द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का लगभग होता है? ऑप्शन ए 5 गुना, बी 1.5 गुना, सी 10 गुना, डी बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 गुना। कितना होगा? 1.5 गुना। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाह्य अस्त के नियम के अनुसार अंगूठा इंगित करेगा? ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी विद्युत धारा की दिशा, सी चालक की घुमाव की दिशा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चालक की घुमाव की दिशा। अगला क्वेश्चन है, गति नियंत्रण का कौन सा तरीका मुख्य रूप से बिजली ट्रेनों में लागू किया जाता है? ऑप्शन ए सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड, बी सीरीज फील्ड डाइवर्टर मेथड, सी सीरीज पैरेलल मेथड, डी सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो इसका राइट आंसर होगा सीरीज फील्ड डाइवर्टर मेथड। अगला क्वेश्चन, मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए अति भार धारा सुरक्षा, बी लघु परिपथ सुरक्षा, सी खुला परिपथ सुरक्षा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु परिपथ सुरक्षा। मोटर परिपथ में फ्यूज लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लघु परिपथ सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन ए चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बी चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, सी लेंज के नियम के सिद्धांत पर, डी उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय ध्रुवों के केंद्र पर चुंबक सामर्थ्य होती है। ऑप्शन ए अनंत, बी अधिक, सी कम, डी शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। चुंबकीय ध्रुवों के केंद्र पर चुंबकीय सामर्थ्य शून्य होती है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में वर्षों को रखना चाहिए। ऑप्शन ए ज्यामितीय उदासीन अक्ष पर, बी चुंबकीय उदासीन अक्ष पर, सी जीएनए तथा एमएनए के मध्य, डी कहीं भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय उदासीन अक्ष पर। अगला क्वेश्चन, किसी जनित्र के वर्सेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि ऑप्शन ए लोड करंट बढ़ जाए, बी प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाए, सी लोड करंट घट जाए, डी प्रेरित वोल्टेज घट जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोड करंट बढ़ जाए। किसी जनित्र के वर्सेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि लोड करंट बढ़ जाए तो। अगला क्वेश्चन, किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है। ऑप्शन ए अधिक करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना, बी कम करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, सी अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना, डी कम करंट व अधिक वोल्टेज प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना लैप वाइंडिंग स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और कोई भी सवाल हो तो जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।